दिगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पंचायत के फरमान से नाराज युवती ने की खुदकुशी। तो दो युवकों ने युवती को हवस का शिकार बनाया था। पंचायत ने युवकों के खिलाफ ये फरमान सुनाया, तो पांच जूते मारने और मुंह काला करने का फरमान पंचायत की तरफ से सुनाया गया। पुलिस कार्रवाई नहीं होने से नाराज थी युवती, हताश थी, परेशान थी। पंचायत के फरमान से युवती असंतुष्ट थी। युवती की मौत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम की जांच में जुट चुकी है। तो दादो थाना क्षेत्र के सिदोली गांव की पूरी घटना, जहां खबर ये अलीगढ़ से है, जहां दादो इलाकों में पंचायत के फरमान से नाराज युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तो घटना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, पंचायत के फरमान से नाराज युवती ने की खुदकुशी। देखिए आसमा, ये पूरा मामला दादो थाना क्षेत्र के गांव सिदोली का है। 14 वर्षीय नाबालिग युवती खेत में सोच के लिए गई थी। उसी दौरान गांव के जो रहने वाले दो युवक थे, उन्होंने युवती के साथ बंधक बनाकर बलात्कार किया। घटना की शिकायत युवती ने अपने परिजनों को की और परिजनों ने ये बात पूरे अड़ोस पड़ोस के लोगों को जब मालूम पड़ गई, तो गांव के जो मौजूदा दबंग टाइप के लोग थे, उन्होंने एक पंचायत बुलाई। पंचायत में जो आरोपी युवक थे, दोनों युवकों के मुंह काले किए गए। काले करने के बाद फिर उनके पांच पांच जूते मरवाने के बाद उन्हें माफीनामा दे दिया गया। हालांकि युवती ये चाहती थी कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो, जेल जाए, मगर इसी फरमान से नाराज युवती अपने बिल्कुल। प्रमोद, इस मामले में पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कार्रवाई न करने के। इन आरोपों को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना? हालांकि अब तो गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन गिरफ्तारी अगर पहले कर ली जाती तो शायद युवती आज जिंदा होती। आत्मा देखिए, जिस तरीके से युवती के साथ घटना हुई, घटना के बाद युवती अपने घर पहुंची, सुसाइड कर लिया। अगर पुलिस के तमाम सूत्रधार होते हैं, तमाम वो होते हैं, बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यानी अगर कोई इतनी बड़ी गांव में घटना हो गई और पंचों ने केवल पंचायत करके पांच जूते मारकर माफीनामा युवकों को दे दिया, उसी से नाराज थी युवती, युवती ने सुसाइड कर लिया। हालांकि मैं आपको आश्वासन बता दूं, इससे पहले उसके परिजनों ने कोई शिकायत पुलिस से दर्ज नहीं कराई थी, मगर जब युवती ने सुसाइड कर लिया तो तत्काल सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंच गए और मौके पर पहुंचने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाल के लिए भेज दिया। हालांकि जैसे ही पूरा मामला जब पुलिस के संज्ञान में आया तो तत्काल दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली। अगर यही मामला पहले ही दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती और गांव के जो समझदार और दबंग लोग थे वो अगर पुलिस को पूरा मामला बताए थे, तो निश्चित तौर पर उस युवती की जान बच जाती। देखिए अजमत, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अभी तक पुलिस ने आरोपी भले ही गिरफ्तार करके अपनी पीठ पुलिस थपथपा रही हो, मगर इससे काम नहीं चलेगा। पुलिस को जो अन्य एक सख्त संदेश देने की कोशिश यहाँ पर होनी चाहिए। शुक्रिया प्रमोद आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के।